आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबर की ओर। ममता सरकार ने मानी हड़ताली डॉक्टरों की मांगे, कोलकाता कमिश्नर को हटाया, जांच के लिए बनाई नई कमेटी। कोलकाता कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से बातचीत के बाद ममता बनर्जी ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही और सरकार ने डॉक्टरों द्वारा रखी गई 5 मांगों में से 3 को स्वीकार कर लिया है। वहीं सरकार के फैसले के बाद डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया है वह अपनी हड़ताल जारी रखेंगे, क्योंकि उनकी पूरी मांगे नहीं मानी गई हैं। ममता सरकार ने हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों से बातचीत के बाद उनकी मांगों को मानते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को हटा दिया गया है। ममता ने डॉक्टरों को भरोसा देते हुए कहा कि CP को मंगलवार शाम 4 बजे तक हटा दिया जाएगा और विनीत गोयल की जगह नई CP अपना कार्यभार संभाल लेंगे। साथ ही मंगलवार को SC की सुनवाई के बाद कई बड़े बदलाव होंगे। डॉक्टरों ने ममता सरकार से 5 मांगें की थी, जिसमें से 3 को सरकार ने मान लिया है। वहीं सरकार के फैसले के बाद डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया है कि वह हड़ताल जारी रखेंगे, क्योंकि अभी उनकी पूरी मांगें नहीं मानी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता पुलिस के उपायुक्त उत्तर को भी हटा दिया जाएगा, जिसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था। जूनियर डॉक्टरों की मांग को देखते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने बैठक में कहा कि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। शाम 4 बजे विनीत नए CP को जिम्मेदारी सौंप देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही और सरकार ने डॉक्टरों द्वारा रखी गई 5 मांगों में से 3 को स्वीकार कर लिया था। जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैंने आंदोलनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है, क्योंकि उनकी 5 में से 3 मांगे मान ली गई हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। वहीं ममता सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है और कहा कि हमने डिप्टी कमिश्नर उत्तर को भी हटाने का फैसला किया है। बैठक के मिनट्स पर CM 42 जूनियर डॉक्टरों ने हस्ताक्षर किया और हमारी ओर से CM ने हस्ताक्षर किए। मैं उन्हें बैठक में आने के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगें रखी थीं, जिसमें से सरकार ने 3 मांगों को मान लिया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार को मुलाकात की थी। यह बैठक रात 9 बजे के बाद समाप्त हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से अपील की कि वे हड़ताल खत्म कर जल्द से जल्द काम पर लौटें। बता दें कि इससे पहले 2 मुलाकातें तय होने के बावजूद नहीं हो सकी थी। वहीं कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाने की CM की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टर जश्न मना रहे हैं। बैठक के बाद डॉक्टर धरना स्थल पर जा रहे हैं। उम्मीद है कि वह GB पहुंचने के बाद बैठक करेंगे और अपने अगले कदम के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के काम पर लौटने की अपील पर भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।